नमस्कार दोस्तों, खूबसूरत और सिल्की बालों वाली महिलाएं जहां भी जाती है आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। बालों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए महिलाएं कई तरह की पैक और ऑयल लगाती है, लेकिन कई बार कुछ आदतों की वजह से हेयर फॉल होने लगती है। आपके बाल स्वस्थ और सेहतमंद रहे इसके लिए आपको बालों की देखभाल से जुड़ी हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हेयर केयर की आदतों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने बालों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए महीने में दो बार अपने बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोएं। अपने कोमल स्वभाव के कारण मुल्तानी मिट्टी आपके बालों को कंडीशन करने में मदद करती है। मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने के फायदे से बाल चिकने और रेशमी हो जाते हैं। यह बाल की डैमेज को रिपेयर करने में मदद करती है और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। दोस्तों, बालों के कंडीशनिंग के लिए यह मुल्तानी मिट्टी हेयर पैक अद्भुत काम करता है। इस हेयर पैक को बनाने के लिए आप 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। अब एक कटोरी में लेकर अच्छे से मिला लें और एक चिकना पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने बालों को एक हल्के सल्फेट मुक्त शैम्पू और ठंडे या गुनगुने पानी से धो ले। जबकि बालों में मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद ज्यादातर लोग उसे बालों में ही सूखने देते हैं, इसीलिए इसे निकालने में कुछ दिक्कतें होती है। जबकि सिर्फ 10 से 15 मिनट में बाल धो लेने से बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं और उसमें नेचुरल शाइन भी बनी रहती है। मुल्तानी मिट्टी एक मृदु क्लीनर की तरह सिर का प्राकृतिक तेल कायम रखकर सफाई करती है। सिर की त्वचा से रूसी, एक्जिमा आदि मिटाकर बाल को गिरने से रोकती है। यह कंडीशनर की तरह काम करके बालों को हुए नुकसान की भरपाई कर देती है। यह बालों में वृद्धि में सहायक होती है तथा सिर व बालों की बदबू मिटा देती है। दूसरा है एलोवेरा जल और नींबू का रस का मिश्रण। दोस्तों, शैम्पू के बाद गीले बालों में एलोवेरा जेल और नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाइए। यह जेल और नींबू का रस बालों में कंडीशनर की तरह काम करते हैं। कुछ मिनट इस मिश्रण को बालों में लगाने के बाद सादे पानी से धो दीजिए। यह बालों को कंडीशन करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे लगातार इस्तेमाल से आपके बाल घने मजबूत हो जाते हैं, साथ ही उसमें चमक भी आने लगती है। दोस्तों, तीसरा है मेहंदी। दोस्तों, कभी कभी अपने बालों में मेहंदी भी लगानी चाहिए ताकि बालों की नेचुरली कंडीशनिंग हो सके। यह डेंड्रफ और बालों के गिरने की समस्या को भी दूर करती है। अगर आपकी बालों में भी रूसी है तो मेहंदी का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मेहंदी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो संक्रमण से सुरक्षा देने में काम करता है। तो दोस्तों, इस तरीका की घरेलू नुस्खे को अपना के महिला हो या पुरुष खुद का बाल को घने, लंबा और चमकीला बना सकता है और खुद को आकर्षक बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।